भौंक रहे हैं वो जग्गू लंगड़ा होगा। जा तू अंदर जा, मैं इससे निपट लेती हूँ। ए तारा, अरे कहाँ जा रही है तुम? तो हाँ, अंदर कहाँ जा रहे हो? माल भी लाए हो कि तारा तारा की रट लगाते हुए जा रहे हो? ए गंगू भाई, जरा चौधरी जगतपाल सिंह से कायदे से बात किया कर। अरे किसे कायदा सिखा रहा है? इस गंगूबाई को जिसने अदालत में झूठी गवाही देकर तुझे चौधरी का बेटा बना दिया। देखो देखो फिर वही बातें। और नहीं तो क्या, तेरी माँ भी पास के कोठे में सर सर के मर गई। हाँ वो तो इसलिए मर गई कि मेरे बाप ने उसे जायज हक नहीं दिया था। कौन बाप, किसका बाप? अरे तेरा असली बाप तो इन्हीं गलियों में गजरे बेचते बेचते खत्म हो गया। बड़ा आया चौधरी का बेटा। देखो गंगू भाई, वो तो चौधरी के असली बेटों की शराफत है जो तुझे भाई की इज्जत दे देते हैं। हाँ। ओम शांति 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 स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हाँ डाल दे शाबाश। पंडित जी आप ही देवर जी को समझाइए ना, इनसे कहिए शादी कर ले। अरे छोड़ो भाभी, क्यों मुझे दूसरी शादी के चक्कर में फंसाती हो? मालकिन की बात तो ठीक है चंद्रभान, बच्चे को माँ भी तो मिलनी चाहिए। पंडित जी भाभी के होते हुए बल्लू को माँ की कमी कहाँ है? क्यों बेटे तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ। अरे दद्दू, आज सुबह सुबह पिताजी के श्राद्ध का हवन कर रहे थे, मुझे भी बुला लेते तो क्या बिगड़ जाता? देखो दद्दू, जो हक तुम्हारा नहीं है उसमें दखल मत दिया करो। वो क्या सिर्फ तुम्हारे ही पिता थे, मेरे नहीं थे? जो हक भगवान ने तुम्हें नहीं दिया उसके लिए मुझसे क्यों झगड़ते हो? रही रुपए पैसे और खर्चे की बात, पिताजी के जमाने से जो तुम्हें मिलता रहा है वो हमेशा मैंने तुम्हें दिया है। इतना मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे 10,000 रुपए और चाहिए। क्या कहा 10,000? इतनी शाह खर्ची तो हम दोनों भाई भी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं लेके रहूंगा। अरे चंद्रभान, मतलब शिकार से है या दिल बहलाने से? अच्छा तो यहाँ ये इंतजाम भी है? अरे ओ बसंती, बसंती ये तेरे छोटे सरकार हैं, अब इन बेचारों की बीवी नहीं रही, बहुत दिनों से अकेले रहते। दद्दू बेटा, मैं अपने खून की गर्मी को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, और फिर क्या सारी खुशियां सूरज भान के हिस्से में ही आई है क्या? चंद्रभान गंदी औरतों और शराब में 1,000 रुपया बर्बाद कर सकता है, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है और हमारे लिए नहीं है। क्या बकवास करते हो दादा, आंखों से देखोगे? चलो दिखाता हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई नापदान का कीड़ा है। भैया भैया, पुकार मुझे इस गंदी जबान से और निकल जा यहाँ से, निकल जा। अब तो कानून से बंटवारा होकर ही रहेगा। कानून? चंदू तू कब बड़ा होगा रे? अगर सारे फैसले कानून से ही हो पाते तो फिर लोग ये बंदूकें और पिस्तौलें क्यों बनाते? पायलागू सरकार, आनंद करो। कौन हो तुम? बनवारी हूँ सरकार, ठेकेदार बनवारी, लकड़ी कटवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सरकार आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर में बंगले पे आ जाना। बहुत अच्छा, ये हमारे पुश्तैनी पिस्तौल है, इसे ले जाओ और सूरज भान से फैसला करके फौरन चले आओ। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हाँ माँ तुम समझे नहीं, इसे चलाने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ धमकाने के लिए है। सूरज भान डरपोक आदमी है, जब तुम इससे धमकाओगे तो फौरन फैसला हो जाएगा। ये लो रखो। ले, तेरे भाग्य से वो इधर ही आ रहा है। शाबाश, घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। चंदू चल घर चल। वो घर अब मेरा नहीं है। वो घर तेरा नहीं है तो ये तेरा कैसे हो गया? ये भी तो मेरे ही नाम है, इसीलिए अब बंटवारा होके रहेगा। बंटवारा? कितनी पी गया है आज? मैं पीऊं या कुछ और करूं?
मेरे पैसे हैं, मेरी जिंदगी है। चंदू जरा भी लिहाज नहीं रहा तुझे? मैं तुम्हें सारी जायदाद हड़पने करने दूंगा भैया, मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। रहा तेरा हिस्सा नालायक, शराब पीता है, गंदी औरतों के साथ रहता है और मेरे सामने दबन चलाता है। तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही उठने लग गया भैया, अगर मेरा हाथ उठ गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा पिस्तौल, पिस्तौल से डराता है मुझे, बड़े भाई की जान लेगा। ठीक है चला चला, पिस्तौल तेरे सामने खड़ा हूँ, चला। भैया भैया मैंने नहीं गोली चली, भैया नहीं मैंने नहीं गोली चली, गोली गोली कहाँ जाएगी? अरे अश्वत्थ प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद स वेदवित् अदश्चोर्धं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अदश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। जब इन बच्चों को ये पता चलेगा कि इनके बाप एक दूसरे के खूनी थे। नहीं नहीं, इन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर मेरी मानो, एक काम करो, अपनी सारी जायदाद बेचकर जो कुछ 5-7 लाख रुपया मिले लेकर किसी और शहर में चली जाओ। भाई साहब अब तो जो कुछ है आप ही है। ये काम भी खत्म हुआ, अब संभालो इन्हें। इतने सारे रुपए मैं कहाँ संभालूंगी इन्हें? मैं संभाल लूं? आप? हाँ क्यों नहीं, कहो तो मैं तुम्हें भी संभाल लूं सरस्वती। भाई साहब, अरे भाई का रिश्ता तो किसी सूरत में नहीं बनता तुम्हारा और मेरा। हाँ ऐसी सूरत में विधवाएं अपने पति के भाई के साथ शादी जरूर कर लेती हैं। उसके लिए मैं तैयार हूँ। जगतपाल मुझसे दूर रहो वरना खून पी जाऊंगी तुम्हारा। अगर पी सकती हो तो जरूर पी लो, मेरी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारे आदमी की रगों में था। और फिर दोनों में फर्क ही क्या है? वही फर्क तो बोल रहा है इस वक्त, कहाँ वो पाक खून और कहाँ ये नापाक खून। अच्छा कमीने, तू मेरे पास आए तो नदी में कूद जाऊंगी। अरे नदी में कूदना इतना आसान थोड़ी है। देखोगे? हाँ हाँ जरूर देखूंगा। तुमने भी आज तक सलमे सितारे के दुपट्टे देखे होंगे। अरे कभी नोटों वाला दुपट्टा भी देखा है? अरे ये तो 100-100 के नोट है। हाँ इसे ले जा मेरी तारा रानी के सर पर उड़ा दे और उसे मेरे सामने पेश कर। बस बस तारा रानी, गाना तो हम तुम्हारा घर चलकर सुनेंगे। ये लो। देख लो तारा रानी, ये है वो महल जहाँ तुम राज करोगी। अरे भाई सामान लाओ। वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे? आप ही ने तो जिक्र किया था। किया होगा, अब उनका जिक्र कभी नहीं होगा। वो बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं,
ये सवाल तुम कभी नहीं पूछोगी। ये जानते हो क्या है? कील। चुपती है। और तुझे याद रखो, जब भी बाबा की बात नहीं मानी ना तो ये बहुत चुभेगी, और अगर बाबा की बात मान ली तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत चॉकलेट मिलेंगे। आजा मेरे शेर, शाबाश शाबाश शाबाश। बाबा मुझे डर लगता है। अरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन बाबा पानी बहुत गहरा है। अब गहरे के बच्चे जा खाएंगे। तीन दूनी छः, चार दूनी आठ। बाबा मैं भी स्कूल जाऊंगा, बल्लू जाता है तो मैं क्यों न जाऊं? क्या कहा? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। चल चढ़ जाओ ऊपर। बाबा, भैया भैया स्कूल में नहीं जाता है ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ने का नहीं है। क्या बोला? स्कूल नहीं जाएगा? फिर से बोल। नहीं बाबा, जाऊंगा बाबा, जाऊंगा। ये ले, ये बड़ी चाबी तिजोरी की है, उसमें से खाली सोने के जेवरात निकालना। ऊपर पाइप से चढ़ जा। शाबाश। नहीं बाबा मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे चोर नहीं बनना है। क्या कहा? चल। ये है आपके जंगल की सरहद। ठीक है, कटाई कब शुरू करेंगे साहब? बस जैसे ही मजदूर जमा हो जाएं। खुशखबरी सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? मैं क्या तुझे यहाँ बच्चा पैदा करवाने लाया हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? अरे हरामी संतान की जिंदगी क्या होती है जानती है तू? हरामी क्यों? तुम मुझसे शादी कर सकते हो ना? बहुत खूब। चौधरी जगतपाल सिंह और गंगूबाई के कोठे की लड़की से शादी करें? अरे जा, किसी वैद्य से इलाज करवा के आ। हरगिज नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। क्या कहा? अगर इस घर में रहना है तो जो कुछ मैं कहता हूँ वो करेगी तू। चल निकल यहाँ से। कौन हो? ताराबाई? मुझे नहीं पहचाना? मैं गंगूबाई के आया करता था। बनवारी? हाँ बनवारी। मगर तुम यहाँ कैसे? बनवारी भैया, मैं कहीं की नहीं। नहीं नहीं, रो मत रो मत तारा बहन। रामू। बल्लू बाबा। बल्लू बेटे। बाबा, बाबा माँ का कुछ पता चला? अरे बेटे, गांव गांव शहर शहर छान मारा, कहीं पता नहीं चला। आओ। बाबा मुझे माँ चाहिए, बाबा मुझे माँ चाहिए। अरे 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 बल्लू बेटे, अरे ये लो, ये देखो मैं तुम्हें लिए क्या लाया हूँ, दे 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 चॉकलेट है, ले ले। और बेटे आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप। अरे क्या चोर सिपाही खेल रहे थे? आ हा हा हा, लेकिन इसमें जरा सी गलती है, ये टोपी इस सर पे नहीं बल्कि इस पर होनी चाहिए। अरे आहिस्ता फट जाएगी पतलून। आज बगार का दिन है ना? आर ए एम राम। ये क्या पगार? ओवर टाइम किधर है? कौन सा ओवर टाइम? अरे सैटरडे अठारह दिन काम किया, संडे छुट्टी नहीं किया, चार दिन राजपाली किया, तुम्हारा बर्थडे तुम छुट्टी मनाया, हम सारा काम किया, ओवर टाइम नहीं देगा हमको? है राम, तुम आजकल बहुत बड़बड़ करने लग गया है, तुम अभी इसी वक्त कूटो नहीं तो हम तुम्हारा चुट्टी कर देगा, समझा?
छुट्टी कर देगा? हाँ। ओवर टाइम नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं। तो फिर बोलो भाई ओ पिंटो सेठ। पिंटो सेठ। ओ पिंटो सेठ। अरे ओ पिंटो सेठ। ओ पिंटो सेठ। देगा तो दो, ये लो। अरे साला थैंक यू तो बोलो। थैंक यू साला। साला नहीं साला, सिर्फ थैंक यू बोलो। थैंक यू साला। साला दादागिरी करता है। नेक्स्ट। बाबा से कुछ अपनी जेब खर्च के लिए तो रख ले। बाबा 50 रुपए में गुजारा नहीं होता अपना। तो फिर सब रख ले, तेरा ही तो माल है। बाबा 100 रुपए। हाँ हाँ ले ले, तू झिझकता क्यों है? शाबाश। और ये देख, ये बल्लू का तार आया है कि वो सब इंस्पेक्टर हो गया। अरे हाँ, और मेरे कहने के मुताबिक उसने गोवा में पोस्टिंग मांगी और वो उसको मिल गई। इजमलाक सोड, आमी गरीब मनीस गोयेकार, कितें जाल्यार इजमलाक दी सायबा, सोड करून देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं। अरे बल्लू बेटे, सारा प्यार क्या अपने भाई पर ही लुटा देगा या कुछ बाबा के लिए भी बचा के रखेगा? अरे बाबा, अरे बस बस बस, जीते रहो जीते रहो। अरे तू तो सचमुच का इंस्पेक्टर लगता है रे। एक दो तीन चार कमरे बाहर, इतना बड़ा बरामदा। लेकिन सोने का कमरा एक ही है भैया, वैसे रसोई है, बैठक है, बाहर इतना बड़ा बागीचा है, उधर गुसलखाना भी। बल्लू अपन तो इस पलंग पे सोएंगे, तख्त पे सोते सोते अपना तो तख्ता हो गया था। भैया मेरे ख्याल में हमें यह कमरा बाबा को दे देना चाहिए। लाख रुपए की बात की है तूने, अपना क्या, अपन तो कहीं भी पड़े रहेंगे, लेकिन सुन रहेंगे एक साथ। ये भी कोई कहने की बात है, लेकिन मुझे लगता है बाबा शायद खुश नहीं है। बाबा खुश नहीं है? मैंने जिंदगी के पिछले 3 साल इस फटीचर झोपड़ी में गुजार दिए कि किसी दिन मेरे दोनों बेटे कमाऊ हो जाएंगे तो मुझे वो कोठी खरीद कर देंगे। बल्लू क्या तनख्वाह होगी तेरी? अबे तनख्वाह से क्या होता है आजकल, अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो तनख्वाह से डॉक्टर की फीस भी नहीं दे सकता। लेकिन बाबा तनख्वाह के अलावा मेरी आमदनी क्या होगी? भैया की कोई लॉटरी लगने वाली है क्या? लॉटरी तो मेरी लगने वाली है बेटे, और ये लॉटरी मैंने उस दिन खरीदी थी जिस दिन तुझे पुलिस ने भर्ती करवाया था। ये तस्वीरें देख रहे हो, हिंदुस्तान के गिने चुने रईसों में इनका नाम है, और ये दौलत इन्होंने नौकरी करके नहीं कमाई। ये लोग हैं कौन बाबा? हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्मगलर्स। स्मगलर्स सबसे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़े रहेंगे नहीं, क्योंकि मेरा रामू एक एक करके तीनों को मात देगा। मैं बाबा? हाँ तू रामू तू। अमा तू डरता क्यों है? तेरा भाई पुलिस का अफसर है, आज सब इंस्पेक्टर है, कल इंस्पेक्टर होगा, परसों DIG, उसके बाद। ठहरो बाबा, तुमने ना जाने क्या क्या सोच रखा है। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमें सबसे पहले ये सिखाया गया है कि। बाबा क्या कर रहे हो तुम, उससे कील चुभ जाएगी। तू भी इतने मत बोल रामू। लेकिन इस बेचारे ने ऐसी कौन सी बात कही है? इसने बहुत बड़ी बात कह दी। सिखाया गया है, जो कुछ स्कूल में सिखाया गया है वो याद है, जो कॉलेज में सिखाया गया है वो याद है, जो पुलिस में सिखाया गया है वो याद है, बचपन से जो बाबा ने सिखाया वो सब भूल गया। बाबा तुम जो चाहोगे वो करेगा, बोलना बोलू तो करेगा ना? हाँ हाँ बाबा वो करेगा,
कहना हो? हमारे इलाके में क्राइम ज्यादा और पुलिस फोर्स बहुत कम है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, जब एक पुलिस मैन खड़ा हो जाता है तो 100 चोर छुप जाते हैं। इसलिए नहीं कि पुलिस मैन 100 आदमियों से ज्यादा ताकतवर होता है, बल्कि इसलिए कि पुलिस मैन कानून का रखवाला होता है और चोर कानून का दुश्मन। कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या भिखारी। अगर तुम कानून के रखवाले हो तो तुमसे ऊपर कोई भी नहीं। लेकिन अगर तुम कानून के रखवाले नहीं हो, जैसा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो फिर तुम में और चोर में क्या फर्क रह जाता? तू कुछ भी कह ले बलू, ठीक है बाबा हमें मारते रहे धमकाते रहे, पर एक एहसान तो किया है उन्होंने हम पर, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इसके बदले में कुछ ना कुछ तो जरूर चाहेंगे, भला चाहे बुरा चाहे करते रहो। मैंने भी एक प्लान सोचा है। बोल बोलो कौन सी गाड़ी में जाएगा? टोयोटा डैटसन इम्पाला एम्बेसडर मेटाडोर किसी भी गाड़ी में भरे। भैया तुम्हारे मालिक नाराज नहीं होंगे? अरे मालिक की ऐसी तैसी, आज संडे और संडे के दिन मालिक हम होते हैं, किसी भी गाड़ी पे हाथ रख दे, गाड़ी तेरी। आहा, एक चोर एक सिपाही, आहा, आहा।
भी है हम दोनों का लहू तो एक है, कुछ भी है हम दोनों का लहू तो एक है। ना बना जाओ मर्जी से, ना बना मैं सिपाही, सिपाही एक रास्ता दो नाही। सुनो, चोर और सिपाही कभी दोस्त नहीं हो सकते, और अगर हो जाएं तो इस बात को राज रखने में ही दोनों का फायदा है, समझे? इसके बाद कभी ना मिलो, आइंदा आपस में मिलो तो दुश्मनों की तरह। अरे क्या बात है जालिम, आज बहुत वक्त लगा रहे हो मियां। प्लग ढीला है सेठ। प्लग ढीला है, अरे यार सब कुछ ढीला हो गया मियां। ओ पिंटो। जी साहब। पिंटो तुम बहुत ढीले हो गए, एक जमाना था तुम रोज नई नई माशूक गाड़ियां लाके दिखाया करते थे। गाड़ी का बाद में करना सेठ, जरा सामने तो देख लो। आए, ये पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ क्यों आ रही मियां? अल्लाह खैर। ओए, कौन मैं? हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, कल रात कहाँ थे? तुमसे मतलब? ठीक से जवाब दे वरना थाने ले जाकर खबर लूंगा। थाने किस लिए? मैंने कुछ चोरी किया, डाका डाला है, सब पता चल जाएगा। चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगा। चल बैठेगा कैसे नहीं, धक्का मत मार। चल छोड़ मेरे कॉलर, छोड़ छोड़। चल सर जरा हटना। अल्लाह अकबर।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। बहुत तकलीफ हुई सेठ, माफ करना मजबूरी आ गई थी। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो मियां, अपनी फिक्र करो, वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ अरे बच्चा है बच्चा, ऐसे कई आए कई गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे 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 मियां, अरे मां जाओगे कहां? पुलिस से बचकर जीना इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी आसान है। एक बात कहूं सुलेमान सेठ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, पुलिस से तो तुम भी बचकर ही जीते हो। आदमी बहुत समझदार हो और दिलेर भी हो मियां, इसीलिए किस्मत तुम्हें सही आदमी के पास लाई है। सुलेमान सेठ के साथ काम करोगे? अरे काम करने के लिए तो पैदा हुए सेठ, अच्छा माल मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बड़ा चालू है, नाम से कह लेना, वैसे भोलू राम कहते हैं मुझे। भोलू राम, भोलू राम। बोलो सेठ। मेरे साथ आओ। चलो सेठ आओ आओ, चलते रहो चलते रहो। ये लो सालिम, सिगरेट पियो। नहीं सेठ, अपन तो सूखा सूटा लगाता है। अरे भाई बड़े कमाल के आदमी हो, एक तो गाड़ी इतना खतरनाक चलाते हो, सिगरेट बड़े कमाल का पीते हो। सेठ सिगरेट खत्म हो रहा है, काम बताइए। चलो बताता हूँ। वो टापू देखते हो ना, ये निशानी के तौर पे हमारी अंगूठी ले जाना, वो हमारे दूसरे नंबर का अड्डा है। वहाँ डिसूजा नाम के एक आदमी से मिलना, उससे कहना कि डिसूजा नाम के आदमी से मिलना। डिसूजा मेरा नाम डिसूजा, तुम्हारा? मेरा नाम भोलू राम, भोलू राम। अगे? क्या देखता भोलू राम? अरे सेठ अपन तो तुम्हारी राह देख रहा था। सेठ अपन को काम पे लगाओ ना। हम नया आदमी को जिम्मेदारी के काम पर नहीं लगाता। ये लो 200 रुपए। और सुनो, जाओ और हम लोगों के लिए रोटी पानी का इंतजाम करके आओ। जाओ। मटन खाएगा सेठ? गेट आउट यू इडियट। हेलो बल्लू, स्पीकिंग। यहाँ बहुत माल है और ये लोग कल ही कश्तियों में। अच्छा अच्छा समझ गया, एक मिनट। कहाँ और किस वक्त? माल किले के अंदर जल्दी पहुंचाओ। अबे ओ भोलू, तू क्या कर रहा है? इधर आ बे। जनाब एक कष्ट लेके अभी आया। ओ हरी आप। अरे
अरे रामू बेटे, तुझे क्या इनाम चाहिए बोल। मुझे क्या इनाम चाहिए बाबा? बस एक रुपया दे दो। एक रुपया? एक रुपये से क्या करेगा? चॉकलेट खरीदूंगा। तुझे बचपन की बातें सब याद है ना? ये ले, ये ढेर से चॉकलेट खरीद ले। नहीं बाबा, बस इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी घड़ियां। सर, बोनस में एक एक घड़ी सारे स्टाफ को मिलनी चाहिए। मुखर्जी, सॉरी सर, टाइमिंग गलत हो गई। हैव इट। नो थैंक यू सर। कम ऑन, ले लो, तुमने कुछ करके दिखाया है। बहुत तरक्की करोगे। लो जी, लो माल बराबर है ना। चलो उठाओ माल, बोर्ड पे रखो। रखो भाई, रखो रखो। अरे अरे, पहला पहला सौदा है ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है जालिम, ठीक है। तूने तो कुछ करिश्मा कर दिखाया। वो तो डिसूजा ने ऑपरेशन में शामिल नहीं किया सेठ, इसलिए सिर्फ दो पेटियां बचा सका, वरना पुलिस वालों की क्या मजाल थी के भोलू के होते हुए एक भी पेटी को हाथ लगा जाते। तुझे अड्डे नंबर दो का सरदार बना दूं मैं? ये अपने इन आदमियों से पूछ लो सेठ, अपन को कोई इतराज नहीं। अरे इन बुजदिलों से क्या पूछना, इनमें से कोई एक घड़ी तक बचा के नहीं लाया। अरे बुजदिलो, अमा कमबख्त तो सुनो, आज से भोलू राम जालिम तुम सबका सरदार होगा, समझे? मुझे मालूम था कि तू मांगेगा, इसलिए मैंने पहले ही से चॉकलेट ले लिया। अरे इसमें से भी कुछ गड़बड़ नहीं बाबा, ये तुम्हारी कोठी के लिए। ये हमारे शहर के एसपी साहब मिस्टर गुप्ता। सेठ जगतपाल, वेलकम टू अवर टाउन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ? ये मेरे एक बहुत ही खास ऑफिसर हैं, बलराम सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। लवली पार्टी सेठ जी। सरन साहब, गोवा कॉलेज के प्रोफेसर। बड़ी मेहरबानी की आप आए। आपकी बेटी शोभा जी। नमस्ते। सुलेमान सेठ, यहाँ के माने हुए रईस। बड़ी खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। और ये हमारे अजीज हैं, साथी हैं, मिस्टर भोलूराम। अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार। अरे सरन गुप्ता, क्या बात है, तुम पुलिस वालों को भी पार्टियों में आने की फुर्सत मिल जाती है? कुछ मत कहना भैया, नींबू पानी पी रहा हूँ। मेरी बेटी शोभा। जीती रहो बेटी। सरन, बलराम सिंह मेरे बहुत ही काबिल सब इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, आजकल तो आपकी काफी चर्चा हो रही है अखबारों में। मेरी बेटी शोभा। नमस्ते। नमस्ते। बस बस, नमस्ते तो रहिएगा इसके साथ, जरा भी मुस्कुरा कर बात की तो किसी चंदे की टिकट भेज देगी आपको। डैडी, क्या कहा मैंने? कहा नहीं तो कहिए ना। क्या कहूँ डैडी, मेरे टिकट खरीदने के लिए कहिए ना। देखा देखा। सेठ जी, बाहर टैक्सी में दो औरतें आई हैं। तारा, मैंने उस बच्चे को गिरवाया नहीं था जगतपाल। देखते क्या है, उठ, इनके पैर छू, इनके गले लग जा। तुम्हारे रंग ढंग तो बदल गए ताराबाई, लेकिन तुम्हारी कोठे वाली हरकतें नहीं बदली। इतने बरसों तुम्हें वो गरीब लंगड़ा जगतपाल तो याद नहीं आया, लेकिन आज एकदम से ये लखपति सेठ जगतपाल कैसे याद आ गए? ठहर जा बेटी, कम से कम अपनी बेटी के सामने तो ऐसे बातें ना करो। कौन सी बेटी, किसकी बेटी? बाजार से खरीद कर लाया था तुझे, फिर से जाकर बाजार में बैठ गई होगी, न जाने किस किस की बेटियां पैदा की होंगी तूने। सेठ जगतपाल, मुझे मालूम है था कि तुम इतनी घटिया और जलील आदमी हो, तो मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर में तो क्या, तुम्हारे शहर में भी नहीं आने देती। माँ दो बेटी। बस माँ, मेरा चाव पूरा हो गया है, पाप किसे कहते हैं मैंने देख लिया। वापस चलो, अब मैं ऐसे सवाल तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। माँ, अगर तुमने इस आदमी के साथ एक और बात ही की तो तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटी,
ये तुम्हारे पिता हैं। ये मेरे पिता नहीं है, ऐसा आदमी मेरा पिता नहीं हो सकता। ये मुझे बेटी मान भी ले तो भी मैं इसे बाप मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम फौरन गाड़ी में बैठो माँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर चली जाऊंगी। इधर गर्दी काई को लगे लाए, चलो अपना अपना काम करो, नहीं तो सब साले को काम से छुट्टी कर देगा। बोलो सेठ, गाड़ी का क्या काम है? कुछ नहीं पिंटो सेठ, जरा कांच पे कपड़ा मारो। अरे अरे राम, ओह गॉड, तुमको ऐसा हालत कैसे हो गया? अरे अरे, हमको माल एरिया हो गया है, ऊपर वाला खुश। तुम बताओ धंधा कैसा चलता है? अपना धंधा बिल्कुल मंदा है। क्या रखा है इसमें? क्यों, ओवर टाइम खा के भी कुछ नहीं होता। जरा तुम चला के देखो। सच? 10% सच। अरे अभी कोई भी आदमी हमको 20,000 रुपया देगा ना, हम फौरन यहाँ से कान पकड़ के फूट जाएगा। अरे देखता क्या है, कान पकड़ और फूट। अरे राम, तुम साला मस्करी काई को करता है। अरे मस्करी किस बात का, ये ले 5 और 25 ग्राइज अपना। सच? सच? थैंक यू बोल साला। साला थैंक यू। अरे साला नहीं, साला बोल थैंक यू सेठ। बोल थैंक यू सेठ, थैंक यू, थैंक यू। राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद। यहाँ तो पारसी बुढ़ा रहता था ये। अरे वो बुढ़ा तो गया, ये माँ और बेटी नई आई हैं। अरे बाइबल में क्या लिखा है कि पड़ोसियों के साथ प्यार से रहो, और हम पड़ोसियों के साथ प्यार से रहेंगे। जाओ, जाओ। मैं ऐसे आदमी के पैसों पर थूकना भी नहीं चाहती। देख बेटी, बहुत जल्द मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तू जवान है, कोई ना कोई तुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राम है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। ये सामने मंडवी की राज है ना, मैं इसका मैकेनिक नहीं, मालिक हूँ, मालिक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चलो बेटी। इतनी गर्मी पड़ रही है और आप लोग पैदल चल रही हैं, एक आध कार किराए पे मिल सकती थी आपको। शुक्रिया, जरूरत होगी तो आपसे कह देंगे। सुनिए, मैं तो कहता हूँ किराए की बात भी छोड़िए, पड़ोसियों ने के नाते एक आध दिन कार सैर सपाटे के लिए चाहिए तो ले जाइए। मेरी माँ ने आपसे कह दिया है, अगर जरूरत होगी तो कह देंगे। लड़के ठीक ही कहते थे, माँ से बात करना, लड़की जरा गर्म मिजाज। अच्छा, कौन से लड़के कहते थे? आप तो खाम गर्म हो रही है, मैं तो पड़ोसी होने के नाते आप लोगों की मदद करना चाहता था। अगर मदद ही करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि यहाँ कोई जॉब जीरो है? है जी, बहुत है। ये पंजाब में तो नहीं है, लेकिन ये ब्यूरो क्या होता है? मतलब ये कि जहाँ नौकरियाँ मिलती हो। नौकरियाँ तो मेरी गराज में बहुत है। आप क्या क्या काम कर सकते हैं जी? मुझसे बात कीजिए, नौकरी मुझे चाहिए। आप कर लीजिए जी, आप वो हिसाब किताब कर लेती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? हिसाब किताब करने ही तो इस शहर में आई हूँ। तब तो अभी अच्छा हुआ, वो क्या है वो साला अकाउंटेंट परसों नौकरी छोड़ के गया, 500 लेता था। 500 तो वो लेता था ना, आपके लिए तो मैंने 8.5। आपने मेरे मुंह की बात ली, मैंने आपके लिए 950 सोचा था। पूरा 1000 कर दीजिए ना। सर 1000 कर दिया जी, कर दिया 1000। आपकी बेटी खुश रहे, 1000 क्या और भी बढ़ा दूंगा। तुमको भी क्या बोलने का बता दो, एक ही धोस में हवा निकल गई। क्या हुआ, टायर निकल गया और गाड़ी में से छलांग मार गया। हाँ तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? जी एक्सीडेंट नहीं, चोरी हुई। चोरी हुई जी? अभी तो आपने लिखाया था कि एक्सीडेंट हुआ। मैं? जी वो मैंने लिखाया था। आपने लिखाया था तो आप कहाँ से बीच में टपक पड़े? जी मैं टपक नहीं पड़ा, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ। आप खड़े हैं तो क्या मैं बैठा हुआ हूँ? जी आप बैठे नहीं है, मगर बैठ जाइए। थैंक यू। मेरे घर में चोरी हुई है, मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। देखिए मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप नंबर से आइए, जाइए वहाँ जाकर बैठिए। जी हाँ, तो कहाँ चोरी हुई? चोरी नहीं जी, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? अरे अभी तो आपने लिखा है कि चोरी हुई। जरा फिर से पढ़ के देखिए। अरे हाँ एक्सीडेंट हुआ। हाँ तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? नेहरू ब्रिज। हाँ
क्यों, थाने में ही? सॉरी। अरे प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर तुम, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। कल तनख्वाह मिली थी, 300-100 के नोट यहाँ रखे थे, ले गया 300 रुपए। अब सोचो ले देकर एक बेचारे प्रोफेसर की क्या तनख्वाह होती है। डैडी छोड़ो, वैसे सोचे जाए तो एक बेचारे इंस्पेक्टर की भी क्या तनख्वाह होती है। डैडी नहीं बेटी, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आखिर चोरियां होती क्यों है। किसी और वक्त समझा लीजिएगा ना। अरे वेट वेट वेट, वक्त से याद आया, नोट उड़ ना जाए इसलिए मैंने उन पर अपनी घड़ी रख दी थी। वो भी चली गई। अब देखो देखो घड़ी के बगैर प्रोफेसर की क्या हालत होती है। आज मेरा पहला लेक्चर था 9 बजे, मैं 8 ही बजे पहुंच गया, दरबान घूर घूर कर देख रहा था। मेरा दूसरा लेक्चर था 10 बजे, मैं 11 बजे पहुंचा, लड़के सब बाहर आ रहे थे। डैडी प्लीज। देखो भैया बाकी बात मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बीच में डैडी डैडी बोलने लगती। एक ट्रांजिस्टर चोरी हुआ, एक पेन चोरी हुआ, और इसका जो चोरी हुआ इसी से पूछ लो। आइए, मेरे सोने की चूड़ियां चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। ये आपका बेडरूम है? जी हाँ। और ये आपका बेड? जी हाँ। क्यों? मतलब ये कि आप इस पर सोती हैं। तो बेड पे और क्या किया जाता है? नहीं नहीं, कहने का मतलब यह है कि आप अपना सर उत्तर की तरफ रखकर सोती हैं या दक्षिण की तरफ? जरा आंख खोलकर देखिए, सिरहाना उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ? नहीं, सिरहाना तो उधर रखा है, लेकिन वो उत्तर है या दक्षिण है मैं कैसे जानूं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका चोरी से क्या लेना देना? नहीं नहीं, चोरी से इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो मैं अपनी पर्सनल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। पर्सनल जानकारी के लिए? कुछ और पूछना है तो मैं डैडी को बुलाऊं? नहीं नहीं, डैडी का क्यों परेशान करती हैं आप? हाँ तो वो चूड़ियां कहाँ से गायब हो गई? रात में बहुत थकी हुई थी तो मैंने अपनी चूड़ियां उतार कर सिरहाने के नीचे ऐसे फेंक दी। एक चूड़ी गिलाफ के अंदर चली गई थी, वो बच गई, बाकी 5 जो यहाँ पड़ी हुई थी वो गायब हो गई। देखो क्या देख रहे हैं आप? चूड़ी अभी तक क्या इस गिलाफ में पड़ी रहेगी? टॉप? ओ, मैं इसे जरा करीब से देख सकता हूँ? हाथ से नहीं, आंख से। सोने की है? आपको क्या लगता है? नहीं, लगता तो सोने की है खालिस। अगर आप इसे मुझे उतार के दे दें तो बाकी चूड़ियां ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। अरे आराम से बेचारी, कलाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? लाइए। खालिस, खालिस। लाओ भाई ये लीजिए, हमारी भी तनख्वाह दे दो। एक दो तीन। अरे, 300। चोर पकड़ा गया? जी हाँ, करीब करीब। करीब करीब क्या मतलब? मतलब ये कि वो दो थे, एक जिसके पास पैसे थे और दूसरे जिसके पास चीजें थी, चूड़ियां वगैरह। एक तो पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ा जाएगा, जाएगा। आप मारपीट भी करते हैं? जी नहीं, मैं तो बड़े प्यार से पुचकार के बात करता हूं। बोल बेटा, बोल, शाबाश, बोल दे बोल दे, बोल 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 बोल। पर सेठ, हीरे तो हमारे पास आ ही गए हैं, अलमेड़ा वापसी में पकड़ा गया। वापसी में पकड़ा गया? तुम जानते हो अलमेड़ा ने सब कुछ बक दिया है, पुलिस को सब पता चल गया, पुलिस को जगह जगह इन हीरों की तलाश है। पुलिस को कैसे नहीं पता चलेगा सुलेमान सेठ, पुलिस नए नए तरीकों से लैस हो चुकी है। तुम ठीक कहते हो जालिम, हमारे काम करने के सब तरीकों का अंदाज पुलिस को हो चुका है। फिलहाल सबसे बड़ा मसला यह है कि इन हीरों को बंबई कैसे पहुंचाया जाए। भोलू किस मर्ज की दवा है, लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ठीक है जालिम। दाम लगा गए। क्यों मजाक करते हो भाई, सुनार की दुकान है, कबाड़ी की नहीं। इनका बोलो। इसको खरीदने की हमारी ताकत नहीं। नजर अच्छी है तुम्हारी, ये काम करोगे हमारा? फरमाइए।
ये जो नकली हीरे हैं इसमें इनको निकाल दो और ये जो असली हैं इनमें जड़ दो और बाकी के जो नकली हीरे बचे उनका हूबहू ऐसा ही सेट बना दो। बन जाएगा। रहा एडवांस, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर चाहते हैं किसी को खबर ना हो तो फौरन पिछले दरवाजे से छुआ जाइए। क्यों? सामने के दरवाजे से पुलिस आ रही है। भाई कहां से आ गए? देखो कल आ रहा हूं, काम हो जाना चाहिए। सुनार भाई। फरमाइए। ये चूड़ी देख रहे हैं? नहीं। क्या दाम होगा इसका? हुजूर 200 रुपए होंगे। कोई ऐसी कारीगरी नहीं हो सकती कि ऐसी 5 चूड़ियां बन जाए और पांचों का दाम कुल मिला के 200 रुपए से ऊपर ना जाए। 200 क्या, 100 में भी बन सकती है सरकार। 100? अच्छे कारीगर बन पड़ते हैं आप। ये लीजिए 50 रुपए पेश की रखिए। हाँ लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं चलेगा सरकार, ये तो बहुत ही छोटा काम है। अभी अभी एक भाई एक ऐसा ही बहुत बड़ा काम दे कर गया। जी भगवान करे आपको लंबा ऊंचा बढ़िया वर मिले। जी क्या कहा? जी मैं कुछ नहीं कर रहा, मौसी कह रही थी। आ इंस्पेक्टर, अरे भाई पैसे तो तुम बड़े आड़े वक्त पर दे गए, लेकिन वो ट्रांजिस्टर घड़ी पेन का क्या हुआ? मिलेंगे? जी डैडी मेरी चूड़ियां मिल गई। चूड़ियां मिल गई? अरे वाह, ये हुई मुस्तैदी। इंस्पेक्टर तुम जैसे एफिशिएंट और ईमानदार लोग इस कंट्री में मौजूद हैं तब तो इस कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तो समझता था इस कंट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन अब तो है। मेम साहब, आई एम सॉरी मेम साहब, मेरे को माफ कर दो मेम साहब, माफ कर दो। क्या हुआ? एक तो माइकल बीमार, ऊपर से तू 4 दिन सफाई करने नहीं आई। मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था मेम साहब। क्या वो माइकल? क्या हुआ माइकल को? उसने मेरे से शादी का प्रॉमिस किया था मेम साहब, मेरे को खुश करने के लिए उसने चूड़ियां चुराई थी आपकी। तो चोरी माइकल ने की थी? हाँ मैम साहब, सब पैसे का दारू पी गया, पेन घड़ी रेडियो सब बेचकर खा गया। मेरे को मालूम पड़ा, आई शॉक। मैं बोली जाना मैम साहब से माफी मांग ले ये चूड़ियां वापस करके। वो तो मुझे भी धोखा देकर भाग गया मैम साहब। गुड मॉर्निंग शोभा जी, इतवार के दिन यहाँ का वातावरण काफी शांत रहता है ना? शांत? अशांत होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये पेन, ये फाउंटेन पेन भी मिल गए। लेकिन ये तो 4 हैं। आप पहचाने आपके डैडी का इसमें कौन सा पेन है? आप ही बताइए ना। मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों, चोर से नहीं पूछा? जी अच्छा ये बताइए ये कितनी चूड़ियां है? 5। और ये? ये गिनिए गिनिए। जी हाँ गिनता हूँ। 1, 2, 3। नहीं, 6, 6, 6, 6। जी हाँ 6 है। 6 और 5? 11। होनी कितनी चाहिए? 6। तो 11 कैसे हो गए? 11 देखिए। और डैडी समझते हैं कंट्री का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। वो तो है ही। शर्म करो, मैं आज के बाद तुम जैसे बेईमान आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे गलत समझ बैठी हैं। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। बुरा आदमी नहीं, तुम जैसा मक्का धोखेबाज झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। हाजी भूल हो गई, हमका माफी दे दो।
कैसे कहूँ कैसे हो? ऐसा हूँ कैसा हूँ जैसा कहो ऐसा हूँ, बात पे डालो भूल हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। आदमी का धंधा चौपट करो तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं क्या? ये जिद छोड़ो, वापस चलो। नहीं मधु, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी मर्जी, आज ही तो कल ये नौकरी जाएगी, फिर फाके होंगे। आप?
आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं भी कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आपको पैसे की जरूरत है, मुझे एक अच्छे काम करने वाले की। 5,000 पेशगी और 5,000 काम हो जाने के बाद। ए मिस्टर, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, मुझसे बात करो। मामा, मामा तुम बीच में मत बोलो, मैं बड़ी हो गई हूँ, कमाने लायक हो गई हूँ। अरे इतना बड़ा पैसा दे रहा है, काम जरूर खतरे का होगा। खतरा सारा मुझ पे, आपकी बेटी पे आंच नहीं आएगी, ये वादा रहा। ठीक है, काम समझाओ। माधो, मामा, मामा ये पैसे रख लो। आप रख भी लीजिए ना। हाँ, अब क्या करना होगा? मेरा नाम चंदन सिंह है। मेरा नाम मधु। मधु बहुत मीठा नाम है। मधु या मधुमक्खी? तुम्हें शहद नजर आया, सोचा डंक भी दिखा दूं। चलो ऐसा बराबर हुआ। दोस्ती? दोस्ती नहीं, सौदा। मेरे पास माल है, तुमसे रुपए लेने हैं। आओ। ₹10,00,000। फिर इस माल का सौदा तो सेठ सुलेमान के साथ हो गया था, इसका सौदा किसके साथ होगा? जवाब दोबारा चाहिए? तुम जवाब दोबारा दो, हम सवाल दोबारा करेंगे। माल है सेठ, तुम्हारे साथ क्या धोखा करेंगे? हमारा माल भी खरा है भाया, पूरे 10,00,000 हैं। लो गिन लो। गिनने क्या है, तुमने कह दिया पूरे ही होंगे। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, 10,00,000 और। कहां से? हीरे बेचकर। हीरे बेचकर? लेकिन हीरे तो चंदन सिंह के पास रह गए। बड़ी भोली हो तुम, हमें मालूम था वो साला चंदन सिंह तुम्हारे साथ बदमाशी करेगा, इसलिए हमने तुम्हारे हाथ नकली हीरे भेज दिए। क्या? लेकिन ये तो बेमानी हुई।
जो मर्दूद हमारी मधु के साथ गुस्ताखी करे उसके साथ बेईमानी करना कोई बेईमानी नहीं। छोड़ो छोड़ो। वाह 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 वाह, शहर के कोने कोने में अभी तक पुलिस तैनात है और तुम हीरे बेचकर माल भी ले आए हो। अपना तो यही स्टाइल है सुलेमान सेठ। बड़ी जालिम चीज हो जालिम, बहुत दूर जाओगे। हम तुमसे बेहद खुश हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचेंगे। माल गिन लो सेठ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और ये नौ। ये 9 लाख का क्या हिसाब है भाई? बाबा एक पार्टनर बड़ा जिद्दी है, एक उसे देना पड़ा। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं। ये कार? जी हाँ। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मेरे लिए? जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए और ये रही चाबी। लेकिन लेकिन क्यों? देखो ना, जो पैसे बने थे उसमें से आधा हिस्सा आपका। ओह मामी मामी, मैं ना कहती थी मेरी हथेली में खुजली हो रही है, कुछ आने वाला है। एक अच्छा आदमी आया और बहुत अच्छे दिन भी आने वाले हैं। लेकिन मुझे तो कार चलानी नहीं आती। तो क्या ड्राइवर मुझे रख लीजिए, बहुत कम तनख्वाह लूंगा। ओ राम। सतारा वाला के डाकू गांव की कुछ लड़कियां उठा कर ले गए थे सर। इंस्पेक्टर नाडकर्णी उन्हीं की पूछताछ के लिए गए थे। इनकी लाश मैं कैसे उठा कर लाया हूँ मैं ही जानता हूँ सर। शाबाश। क्रूज। यस सर। गिव हिम फर्स्ट एड। ओके सर। ये सतारा वाला कौन है सर? तारा एक बहुत घने जंगल का नाम है। बहुत से भागे हुए अपराधी वहां जाकर बसते हैं, शिकायतियां करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। मीलों चौकी का पता नहीं, सड़क का पता नहीं। सतारा वाला उनके सरदार का नाम है। बस यूं समझ लो कि वहां उनका राज चलता है। हमारे होते हुए? मैं जानता हूं बलराम तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खबरदार, मैं कहता हूं इस बेचारे की शक्ल एक बार फिर से देख लो। बलराम, इनको पकड़ना कोई छोटे मोटे फोर्स का काम नहीं। मैं आज ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मदद मांगता हूं। सर मुझे एक मौका दीजिए। बलराम, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप ही ने तो कहा था सर कि एक सिपाही 100 चोर के बराबर होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जंगलों में ये लोग कहां कहां छुपे रहते हैं तुम्हें मालूम नहीं। उनको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल बात है बलराम। वो मुझ पर छोड़ दीजिए सर, हम लोग भेष बदल कर जाएंगे। क्या कहा था ड्राइवर ने? हमारी लड़कियां उठा के ले गए।
है समा के हम दिल लगे थामने, जाने क्या पयाम दिया हमें इस शाम ने। तुमने मेरा नाम नहीं सुना होगा, अब सुन लो, बलराम सिंह इंस्पेक्टर, और इस वक्त तुम और तुम्हारे आदमी गोवा पुलिस की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुम शायद जानते नहीं, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे किसी भाई बंद की लाश को मैंने उधर भेजा था। जी हाँ, उसी लाश ने मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम सीधी तरह मेरे साथ चलते हो या मुझे तुम्हारी लाश ले जानी पड़ेगी। बच्चे, एक चुटकी बजाऊंगा। शोभा जी, आप लड़कियों को लेकर टेंट में जाइए। मुखर्जी साहब, लड़कियों में ध्यान रखिए। Thank you.
अरे देखो देखो झोपड़ा चल रहा है। शाबाश मेरे शेर। छुपे हुए लोग हैं बाहर आ जाएं, वरना जो हाल इनका किया वो तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर बलराम सिंह। शोभा, शोभा। हाय। देखो नई मोटरसाइकिल लाया हूं, चलो तुम्हें सैर करा लूं। मैं नहीं आ सकूंगी, डैडी के साथ सैली की शादी पर जाना है। हाँ तो मैंने कब इनकार किया, मैं जरूर शादी की बात तुम्हारे डैडी से करूँगा। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, मैंने कुछ कहा तुम कुछ सुन रहे हो। बच्चों के मामले में डैडी को क्यों लाना, वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे ना। वैसे मेरी अपनी राय है कि बच्चे हमारे तीन होने चाहिए। देखो तुम उसे बच्चों से की बात करोगे ना तो मैं मारूंगी। भाई शोभा, मैं अभी से कह देता हूँ, मैं बच्चों को मारने वारने के हक में नहीं हूँ। देखो तुम मुझे इतना परेशान करोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। अरे भाई परेशान क्यों नहीं करेंगे, बच्चे होंगे तो परेशान करेंगे ही, वरना पैदा क्यों करें। बंद करो ना, प्लीज ना दे देना। क्या एक मिनट, क्या कहा? आई हेट यू। यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ा काम है। ओ राम साहब, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए राम साहब, गैराज कैसे चल रहा है?
दुआ है आपकी। आप सुनाइए, आपकी फटफटी कैसी चल रही है? हमारे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास चल रही है। वैसे आपको दिखाने लाए, आपकी राय चाहते हैं। कहिए कैसी लगी? चीज तो अच्छी है। कहाँ मिली? मिली तो गोवा में ही है, लेकिन आई शायद यूपी से है। सैर सपाटे के बाद छोड़ने का इरादा है या रखेंगे? अरे क्या बात करते हैं साहब, रखेंगे रखेंगे, अपना बना के रखेंगे। अब मेरा मतलब है कि ठप्पा मार के मुहूर्त निकलवा के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, आप खुद समझदार हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने बकायदा टेस्ट किया हुआ है। टेस्ट किया है तो फिर क्या बात है, फौरन बात पक्की कीजिए और ले जाइए, खुश रहिए। बस यही पूछने आया था आपसे। अच्छा फिर मिलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक रपट मुझे भी लिखवानी है। जी ऐसी ही एक रपट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थाने में हाजिर हो जाऊं? हाँ थाने में हाजिर हो जाइएगा, लेकिन रपट साथ में जरूर लाइए। रपट को लेके आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया थाने में क्यों लाए हो मुझे। मेरे गैराज में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट करनी है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप? हाँ कहिए। जी मैंने सोचा उस चोर के बारे में आज आपको बता दूं। चोर? जी आपसे जिक्र किया था ना, जो मेरा सब कुछ चुरा के ले गया। हाँ हाँ हाँ, आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। सर चोरी का केस है, मैं ले लूं? जी नहीं, एक मुखर्जी साहब। एक मुखर्जी नहीं सर, एक के मुखर्जी। वैसे तो हूँ मैं एक ही, दो तो हो नहीं सकता। हाँ एक बार दो हुआ था, लेकिन वो भाग गए, फिर से मैं एक हो गया। सर सर, आप लोग दो हैं या एक? अभी तक तो दो हैं, लेकिन मुखर्जी साहब आप जाइए, मैं एक केस संभालूंगा। थैंक यू। ऑलराइट सर। जी कहिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मेरे केस में कुछ दम नजर आया आपको? हाँ केस की सूरत तो अच्छी है। तो फिर मामला आगे बढ़ाया जाए। देखो चोर के खानदान का कुछ आता पता है? खानदान से हमें क्या लेना इंस्पेक्टर साहब, हमें तो चोर से मतलब है। हाँ, लेकिन फिर भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। वैसे थोड़ी छानबीन मैं कर चुका हूँ, चोर की माँ तो काफी अच्छी है, लेकिन पिताजी का पता नहीं। राम ये कौन सी चोरी की बात कर रहे हो? ये चोरी बड़ी संगीन है देवी जी। मेरा तो सुख चैन लुट गया जी, रातों की नींद उड़ गई। जब चोर आपके इतने नजदीक है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? आपको बगैर बताए, मेरा मतलब पुलिस को बगैर बताए पकड़ लूं? हाँ हाँ हाँ, तो तुम ऐसे करो उसे पकड़ ही लो। ठीक है मैं चोर को पकड़ लेता हूँ, लेकिन सजा आपको देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हथकड़ी बना देंगे उसे। हथकड़ी नहीं साहब, लोहे की हथकड़ी से उसके नाजुक हाथ छिल जाएंगे। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो फूलों की हथकड़ी पहना देंगे। जी बहुत अच्छा, बस इतना कीजिएगा कि हथकड़ी की दूसरी कड़ी मेरे हाथ में डालें। Thank you.
दिल का गुलाब ये मुश्किल से खिलता है, खिल गया खिल गया। दोनों बड़े सुस्त हो गए हो, क्या बात है? कहीं कुछ इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? क्यों बाबा, दौलत काफी नहीं हो गई? अब तुम बच्चे हो रामू, अभी तो शुरुआत हुई है। वो देख रहे हो वो जहाज, उसे खरीदने के लिए मुझे बैंक से कर्जा लेना पड़ रहा है और तुम कहते हो कि दौलत काफी नहीं हो गई। बाबा, बूंद बूंद बाल्टी भरे, इससे अच्छा ये नहीं होगा कि बाल्टी को कुएं में डालकर एक ही झटके में भर लिया जाए? ए बल्लू, तू क्या समुंदर के किनारे कुआं खोदेगा रे? ठहर जा, ये कोई बहुत गहरी बात कर रहा है। हाँ बोल। मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबा, मुझे अंदर से खबर मिली है कि साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया कुछ ऐसे होने वाला है कि किसी भी काले धंधे को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे अंदर से खबर मिली है कि इस साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया इस कदर सख्त हो जाने वाला है कि कहीं काले धंधे को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए, सब अपने आदमी सब। मेरे हिसाब से हम लोगों के बीच में कम से कम 200-300 करोड़ रुपया तो होना चाहिए। क्यों? हाँ, है। तो फिर इस तमाम पैसे को मिलाकर क्यों ना एक बैंक खोली जाए?
जी बैंक 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 मैं समझ गया ये बैंक सिर्फ हम लोगों के लिए होगा। इसकी मदद से हम नाम वाले इज्जत वाले कामों में अपना धंधा फैला सकेंगे। क्यों सेठ? बिल्कुल ठीक है। जो शख्स इस बैंक में पैसा रखवाएगा उसे 2% ब्याज मिलेगा और जो इस बैंक से पैसा कर्ज लेगा उसे 3% ब्याज देना पड़ेगा। वाह 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 वा, क्या जालिम आइडिया सेठ। बैंक में पैसा जमा करो तो कमाओ, बैंक से कर्जा लो तो कमाओ। अब मैं इस बैंक को शुरू करने के लिए अपनी तरफ से 25 लाख रुपया देता हूँ। हाँ तो 25 लाख अपनी तरफ से भी लिख लो सेठ। मेरा 30 लाख, 50 लाख। सेठ साहब का 3 करोड़ रुपया। मेरा 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। तुम ठीक है तो चंदन सिंह, माल नकली है। इसके बदले में मैंने जो 10 लाख रुपए दिए उसका क्या होगा? तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे मियाँ। धंधे में सुलेमान सेठ का नाम खराब हो ये गवारा नहीं हमें। अपना नाम बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है सुलेमान सेठ, उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। धोखा उसने तुम्हारे साथ किया, हमारे साथ नहीं जालिम। मुझे नकली हीरे बेचे ये धोखा मेरे साथ हुआ, तुम्हारे असली हीरे कहीं और बेच खाए, ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। धोखेबाज आदमी हमारे धंधे में हर एक के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम ठीक है तुम यार, आदमी तुम्हारा हुआ बस बता दो कहां भेजूं उसे। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं।
साहब की मदद करो, उठाओ इन्हें उठाओ। बल्लो बल्लो भैया। श्रीकाल साहब। क्यों सरदार जी, कोई एक्सीडेंट किया क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो इसे बचा कर लाया हूँ। उधर से गुजरना रहा होता तो बेचारा सड़क में पड़ा पड़ा मर जाता। अच्छा अच्छा, आओ रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट तो साहब बाद में लिखते रहना, पहले इसके लिए दवा दारू का इंतजाम कीजिए, वरना बचेगा नहीं। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, पहले अपना काम तो कर लें। अरे पुलिस की रिपोर्ट से पहले तो साले अस्पताल वाले किसी जख्मी को छूते तक नहीं। आओ। यस सर। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, एक ने मिले तो दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, जल्दी। कोई सगे वाला है क्या सर? मेरा, अरे वो गराज वाला है मुखर्जी साहब, याद है एक लड़की के साथ आया था। हाँ हाँ, अंधेरे में मैंने पहचाना नहीं। बल्लू बल्लू देखिए आप होश में नहीं है, आपको पुलिस थाने लाया गया है। पुलिस स्टेशन कौन लाया है मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, उन बदमाशों से मैं खुद में पकड़ लूंगा। आप बैठे, छोड़ो छोड़ो, हमारे दो जाओ, तुम लोग अपना अपना काम करो। मुखर्जी साहब यस सर, आप जाके सरदार जी की रिपोर्ट लिखिए। अच्छी बात। भैया भैया, कौन थे वो लोग, क्या किया उन्होंने? वो बंबई का बहुत बड़ा स्मगलर है, चंदन सिंह नाम है उसका। इस वक्त वो अपने साथियों के साथ किसी होटल में होगा। डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर, मेरा एक बैग था और उसमें रुपए थे। और उन रुपयों के लिए उन्होंने तुम पर हमला किया? हाँ। और रुपए छीन कर ले गए? जी हाँ। चंदन सिंह है। मिस्टर मुखर्जी। यस सर। जब तक डॉक्टर नहीं आता आप इनके साथ रहिए। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर वो बहुत खतरनाक लोग हैं। बल्लू मैं भी तेरे साथ चलूंगा। वही राम साहब, मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस कमजोर नहीं। आइए चलिए बैठिए। अरे हमारे साथ जो टक्कर लेगा उसका यही असर होगा। पियर पियर।
दार्जिलिंग टी है जनाब, कुछ चस्ती आई? जी हाँ। ये यो बैग आ गया, आप सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आपका क्या हाल है? डॉक्टर आया था, इंजेक्शन दे गया। हाँ, तभी जान में जाना ही लगती है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आ जाए सामने, एक एक को देख लूंगा। उनके सामने आने का कोई चांस नहीं है, एक एक को समझ लिया गया है। आप जरा अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है? जी हाँ सब ठीक है। पुलिस की गाड़ी आपको घर तक छोड़ाएगी? जी नहीं, मैं चला जाऊंगा, और मुझे घर नहीं जाना है। देखिए राम साहब, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के हाथों में ही छोड़ देने चाहिए। राम साहब, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि कोई आपको हमारे पास ले आया, वरना सोचिए कुछ भी हो सकता था। अरे तो अपना रोने वाला कौन बैठा है साहब? क्यों, हम पुलिस वाले मर गए क्या? ऐसा मत कहिए, आप तो हजारों साल जिए, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अपनी उम्र हमें दिए जा रहे हैं तो हमारी खातिर उसे संभाल के रखिए। बहुत बड़ा वचन ले लिया है आपने। इस खाली कुर्सी की तरफ देखता हूं तो मुझे रोना आता है मुझे। इस कुर्सी पे मैंने डिसूजा को बिठाया था, वो ऊपर चला गया। इसी कुर्सी पे मैंने भोलू राम को बिठाया, भोलू राम। उसे क्या हुआ? क्या होगा मियां, वही हुआ जो डिसूजा। वाह 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 जालिम वाह, हम तो समझे थे कि तुम खुदा को प्यारे हो गए। जो खुदा के प्यारे होते हैं सुलेमान सेठ, वो वक्त से पहले खुदा को प्यारे नहीं होते। तुम अपने बंदे को मौत के मुंह में झोंक सकते हो, लेकिन वो अपने बंदों को मौत के मुंह से बचा लाता है ताकि तुम जैसे बदजातों को सबक सिखाया जा सके। देखो मियां, तुमने हमारी टेबल खराब कर डाली, हमने कुछ नहीं कहा, अब तुम हमारे सामने जबान भी चलाते हो। हम अपने मुलाजिमों से इस तरह की गुस्ताखियों के आदि नहीं है। बिल्कुल पहुंचाना है। इसे मैं पहुंचा देती हूं, मुझे बताओ कहां पहुंचाना है। ये आखिरी जिम्मेदारी है, इसे जगतपाल सिंह के पास पहुंचा देना। जगतपाल सिंह? हाँ ठीक है, मैंने तय कर लिया है, अब इसके बाद ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। सच? तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली।
मधु, तुम जगतपाल के घर नहीं जाओगी। क्यों? तू अपने बाप के घर ऐसे काम के लिए जाएगी तो वो हमें कभी कभी नहीं ही अपनाएंगे। छोड़ो भी मामी, अब ये ख्वाब मत देखो। मधु सुनिए। क्या हुआ? ये जो आप अभी मधु से कह रही थी, क्या वो? हाँ बिल्कुल सच है। इसका मतलब मेरा और मधु का? नहीं नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी और जगतपाल सिंह तो? उनका भी कोई खून का रिश्ता नहीं था। क्या कह रही हैं आप? सुनो, ये अफवाह जगतपाल की उड़ाई हुई थी। तुम ले जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आओ। राम ने भेजा है। राम के लिए काम करती हूँ? करती हूँ। जानती हो इस बैग में क्या है? हाँ। और ये भी जानती हो कि अगर पकड़ी जाती तो जेल हो जाती? हाँ जानती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें इन कामों के लिए मना नहीं करती? इतने दिनों मेरी माँ ने मुझे पाला है, अब मैं उसे पालती हूँ। उसका और कोई सहारा नहीं। लड़की, मुझे समझने की कोशिश कर। जिन हालात में तेरी माँ मुझे छोड़ गई और जिन हालात में वो वापिस आई, मेरी जगह कोई भी होता तो शक करता, सबूत मांगता। मैं अपने माँ बाप का जीता जागता सबूत हूँ। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। जिद्दी, बिल्कुल मेरी तरह है। पराई लड़कियों को इस तरह नहीं छूते सेठ जगतपाल। सेठ जगतपाल मत बुलाओ मुझे। तो फिर क्या बुलाऊं? कुछ भी, कुछ भी। कुछ भी क्या? या तो हम दोनों में रिश्ता है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है? इसका फैसला मुझे नहीं आपको करना है। मैं आपको क्या बुलाऊंगी इस बात पर मुनसर है कि आप मुझे क्या बुलाते हैं। मधु। साहिबान, एक अपाहिज होकर मैंने जो तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी वही तकलीफें सहें। बस मेरी आप लोगों से इतनी ही इल्तजा है कि इस आश्रम का नाम मेरी बेटी मधु के नाम पर रखा जाए, और इसके लिए मैं इस आश्रम को 1,00,000 रुपए का चंदा देता हूं। बाबा देखो ना, जिंदगी कितनी अजीब है। मधु आपकी बेटी निकली तो? बाबा मैं मधु से प्यार करता हूं। मेरी बेटी के बारे में तेरे मुंह से ऐसी बात? क्यों नहीं बाबा, मुझे भी तो आप ही ने पाला है। बंद करिए बकवास, नाली का कीड़ा। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो आज मेरे सामने जबान चलाता है। हमारे घर में नाली का कीड़ा कौन समझा जाता था, इसे हम भूल ही जाएं तो बेहतर है। मैं एक शरीफ आदमी की तरह मधु का हाथ आपसे मांग आया हूं। तुम और शरीफ आदमी, जानते हो तुम्हारे सर पर कितने जुर्म है? कल पुलिस तुम्हें किसी गली में दौड़ाकर कुत्ते की मौत मार देगी। जिस जुर्म पर मेरा नाम लिखा जाएगा उस पर तुम्हारा नाम पहले से लिखा होगा, और जिस गली में मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा उस गली में एक बहुत बड़ा कुत्ता पहले से मरा पड़ा होगा। तेरी बोटियां करवा दूंगा। अगर तुमने पाल पोस कर हमें बड़ा नहीं किया होता तो आज इसका जवाब मैं भी देता। जगतपाल सिंह का घर यही है क्या? जी हाँ यही है। सरस्वती, भाभी भाभी आप जिंदा हैं? भाभी आपको देखकर कितनी खुशी हुई। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ,
मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप नहीं मिली, मुझे माफ कर दीजिए। तो भूल जाओ जगतपाल, मैं भी भूल चुकी हूँ। बस इतना बता दो मेरे बेटे कहाँ है। तुम्हारे बेटे? भाभी तुम्हारे बेटे तो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, ये सारी रौनक उन्हीं से है, जहाजों का कारोबार करते हैं, दुबई में रहते हैं। दुबई? हाँ, कौन सा दूर है, आज अगर तार कर दूंगा तो अगले हफ्ते चले आएंगे। अगले हफ्ते? अगर आप एक हफ्ता इंतजार करना नहीं चाहती हैं भाभी, तो कल ही उनका जहाज दुबई जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। आपको देखकर बाग बाग हो जाएंगे भाभी, हमेशा आपको याद करते थे। हाँ इंस्पेक्टर बलराम, तुम पुलिस में हो मगर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकती हूँ कि तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। यहाँ ऐसे लोग हैं जो गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें पुसला लेते हैं, फिर जहाजों में डालकर उन्हें विदेश भेज देते हैं, वहाँ उनका व्यापार होता है। क्या बात कर रही है? सच कह रही हूँ, एक लड़की वहां से बचकर भाग आई, उसने मुझे बताया। मुझे उससे मिला। सच निकला तो क्या करोगे? तुम क्या समझती क्या करूंगा? मैं क्या इतना बेगैरत हूं कि मेरे देश की लड़कियां बिकती रहें और मैं ये वर्दी पहनकर आंखें नीचे देखता रहूं? तेरी कसम शोभा, उन जहाजों में आग लगा दूंगा मैं। अच्छा भाभी, ये जहाज तुम्हें तुम्हारे बेटों तक पहुंचा देगा और मेरे दो आदमी है ना, ये रास्ते में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा ख्याल रखना कि बुढ़िया वापस ना आए, समझा? अरे किस बात की देर है जालिम, बोट छोड़ो छोड़ो जल्दी करो। रुको रुको। Thank you.
सामने वाले कमरे में चले जाइए, आपके घर पहुंचने का इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। नाम? सरस्वती। सरस्वती। उम्र? 46। आप इन जवान लड़कियों में कैसे शामिल हो गई? मैं नहीं जानते, मैं अपने बेटों से मिलने दुबई जा रही थी। आपने जहाज का टिकट खरीदा था? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जहाज पर बिठा दिया गया था। किसने बिठाया था? जहाज के मालिक जगतपाल सिंह ने। आपका नाम? सरस्वती। सरस्वती। आपके बेटों का नाम? राम, बलराम। बलराम। तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई बेटी? मेरी तो सिर्फ आंखें भीगी हैं माँ जी, मेरा भाई तो सार सार रोएगा। भैया, मैं तो बहुत छोटा था, जरा देखिए इन्हें, कुछ याद आता है? पहचान तो लिया था माँ, लेकिन चाहता था कि तू पहले भैया से मिले। क्यों? मैं तेरी माँ नहीं। ऐसा मत कह माँ, ऐसा मत कह। तू माँ नहीं तो मेरा इस दुनिया में कौन है सिवाय भैया के? माँ, भैया को रोको। माँ मुझे नहीं रोकेगी, जगतपाल जिंदा रहने के काबिल नहीं है। नहीं रामू, नहीं। खून खराबों ने पहले ही हमारा घर बर्बाद कर दिया है, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जो उस दिन हो जाना चाहिए था माँ, वो आज होके रहेगा। नहीं, नहीं। एक बार तुझे खो दिया, जाने कैसे जिंदा रह गई, अब दूसरी बार तुझे खो दूं, ये मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। माँ, जिस धरती पे वो गलीज इंसान जिंदा है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, उस धरती में मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। अब या वो रहेगा या मैं रहूंगा। होश में आओ भैया, आधी जिंदगी तो उसने हमारी बर्बाद कर दी, अब बाकी जिंदगी तुम अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते हो? आज बरसों के बाद भगवान ने माँ को हमारे पास भेजा है, क्या इसलिए कि वो तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ता हुआ देखे? तेरे मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती बल्लू। मेरे दिल में भी बदले की आग जलती है भैया, लेकिन उस बदले की कीमत तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, कोई मकसद नहीं रहा। मकसद पूरा होगा भैया, जगतपाल अपनी मौत मरेगा, उसके गंदे खून से हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? अब तुम्हारे हाथ में यह बैसाखी अजीब सी लगती हो। अजीब सी या भयानक? बच्चा अंधेरे से डरता है बाबा, फिर एक दिन वो बड़ा हो जाता है। तो तू बड़ा हो गया है, मेरे सामने भी बड़ा हो गया है। देखो बाबा, ये नोक चुभती है। तूने जहाज पर धावा बोलने की हिमाकत क्यों की?
ताकि रामू भैया सुलेमान की जगह ले सकें। तुम्हारा ही तो प्लान था, नहीं? वो तो था, लेकिन तूने मुझसे पूछे बगैर उसकी जान क्यों ली? पूछे बगैर? छोड़ो ना बाबा, बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा होता ही है। तो तुम बड़े होने पर तुले हुए हो। वो औरतें जो पकड़ी गई उनमें एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? हाँ, एक बुढ़िया थी, लेकिन बेचारी गोली से मारी गई। बच्चा मुझसे फरे। इसका मतलब समझता है? मतलब वही है जो तुम समझ गए हो, जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह? ठीक है इंस्पेक्टर बलराम, ठीक है। तुम यहां क्यों आए? कैसे आए? हाँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे फोन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगी। डोना पॉला, इसमें इतना पैसा है कि तुम अपने बाकी दिन चैन से बिता सकोगे। मुझसे फिर नहीं मिलना, तुम्हारी एक भूल से मेरी खुशकिस्मती बदकिस्मती में बदल सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मधु को मेरा प्यार देना। जी। ये रुपए मेरी बीवी ने तुझे दिए, बता किस लिए दिए? बता। सुवर बोलता कि नहीं है, एक ही बात हो सकती है कि मधु मेरी बेटी नहीं है। जानते हो तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तेरी जबान से सच सच उगलवाना चाहता हूं। बता, अगर तू सच बता देगा तो ये रुपए मैं दुगने कर दूंगा। तुम्हारा बच्चा तारा ने गिरवा दिया था, फिर एक समाज सुधारक ने तारा से शादी कर ली थी। मधु उसी की लड़की है? हाँ। वो अब कहाँ है? मधु के जन्म से पहले ही मर गया था। इस राज को मधु भी नहीं जानती। हराम साधे, जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे सुख मिला था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। निकल जा मेरी आंखों के सामने। ठीक है जगतपाल, मैं भी देख लूंगा। मैं कितनी बार आई हूँ, तुमसे कोई कहता नहीं? तुम एक बहुत बड़े बाप, बहुत बड़े घर की बेटी हो गई हो। बड़ा घर बड़ा बाप, ये मेरे और तुम्हारे बीच में आएंगे तो मैं दोनों को छोड़ दूंगी। आइए बैठे, बैठो भैया। मैं तुम्हारे बाप और चाचा को अच्छी तरह जानता था, मैंने अपनी आंखों से उनका खून होते हुए देखा था। खून? उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर भागा। ए, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम, मैं अभी आती हूं। भाई जबान चलाता है, दूसरा पिस्तौल दिखाता है। इसी दिन के लिए पाला था तुम दोनों को? एक भाई जबान चलाता था, दूसरा भाई पिस्तौल दिखाता था, लेकिन गोलियां किसी तीसरे ने चलाई थी। तो तुम बनवारी की बातों में आ गए। मैं तो समझा कि शायद तुम मधु की वजह से मुझसे नाराज हो। अरे बेटा, तुम बनवारी को नहीं जानते। राम, ये
क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? हाँ मधु, देखो ना, मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो ये कितना भड़क गया। अरे बेटे, मैं बड़ी धूमधाम से तेरी शादी मधु के साथ करूंगा। इससे पहले धूमधाम से मैं तुझे दफना दूंगा। आज तुम पर क्या भूत सवार हो गया है राम? मेरे इरादे को डावाडोल मत करो मधु। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे बदला लेना है। तो ठीक है, चला गोली। जो गोली मेरे बाप का खून करेगी वो मेरे जिस्म से गुजर के जाएगी। हट जाओ मधु। मैं नहीं हटूंगी। ये क्या किया तुमने मधु? क्या जी? डैडी की बच्ची ले जाओ, बंद कर दो इन दोनों को। जल्दी करो, चलो। ले आया सर। जगत पाल, ले चलो इन्हें नीचे तक पर, बंद कर दो। राम बाबा, जो कहना है वो साफ साफ कहो। हाँ बल्लू बेटे, वो बाल्टी वाली बात तुझे याद है जो तूने मुझे सुझाई थी? याद है बाबा। शाबाश, कुआं खुद चुका है, वो बाल्टी भर के मुझ तक पहुंचा दे। नहीं समझा? बैंक कल खुल जाएगा, देश भर के सारे स्मगलर्स उसमें 200 करोड़ रुपया जमा करवा देंगे। समंदर में मेरा जहाज तैयार खड़ा होगा, वो रुपया वहां पहुंच जाना चाहिए। भैया कहां है इस वक्त? मैंने बताया नहीं, उसी जहाज पर जिस कश्ती में तू रुपया लेकर आएगा उसी में उसे भी वापस ले जाना। तो भैया की जान की कीमत 200 करोड़ रुपए। समझाया बलराम ने बहुत समझाया, पर राम ने धोखा खाया। अब तो राम ही जान बचाए बचाए, बेड़ा पार लगाए। अब तो राम ही जान बचाए। हम पिंजरे
मुख पे जुल्फ ये काले नागन से लहराए किसी के बच के निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जितनी पुलिस अंदर है उतनी बाहर है। इसलिए खबरदार मुखर्जी साहब। यस सर। गेट लीजिए सबको और जितना रुपया बक्सों में भर दीजिए। भैया भैया बल्लू बल्लू बलराम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सर, ये हैं वो नामी स्मगलर्स जिनको पकड़ लेने का वादा मैंने एक दिन आपसे किया था। ये उनका तमाम रुपया, करीबन 200 करोड़ रुपए। और ये है मेरा भाई राम, जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका। राम, तुम्हारे भाई ने जो किया सो किया, ये उसका फर्ज था, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वह उससे भी बढ़कर है। मैंने क्या किया है? मुझे तो बल्कि इन लोगों के साथ होना चाहिए था। नहीं नहीं राम, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं या तुम्हारा भाई जानता है। तुमने शुरू ही से इन बदमाशों के साथ मिलकर हमारे लिए खुफिया पुलिस का काम किया है। सीआईडी? हाँ भैया,
इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कानून को अपने हाथों में लेने से रोकता रहा। बल्लू। इंस्पेक्टर बलराम, आपके लिए एक जरूरी फोन है। हेलो। बल्लू बेटे, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ समझाना चाहती है बेटे। बल्लू। माँ। एक दो आवाजें और भी सुन लो बेटे, ताकि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएं। हेलो बलराम। शोभा, शोभा तुम लोग कहाँ हो? बस बस प्रोफेसर साहब, अब आप ही अपने होने वाले दामाद को कुछ समझाइए। बलराम बेटे, हम लोग इस पागल आदमी के कैदी हैं। लेकिन कहाँ? इंस्पेक्टर बलराम, मैं जहाज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या बात है बलराम, मुझे बताओ। कोई बात नहीं साहब, वो जो बच गया है ना, उसकी मौत उसे बुला रही है। में 200 करोड़ रुपए हैं, इसे तुम रख लो और अपने पांचों कैदियों को मेरी इस बोट में भेज दो। ये देखो। शाबाश, ऊपर आ जाओ। हमारे आदमी नीचे जाकर सारे बक्से ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद तुम इन लोगों को नीचे लेकर जाना। इसकी क्या जरूरत है बाबा? इसलिए कि अब मैं पुलिस के कुत्तों पर भरोसा नहीं करता। रॉड्रिक्स। यस सर। बक्से उठवाओ। चलो। बाबा जगतपाल, तुम मुझे हाथ लगा सकते हो लेकिन बक्सों को नहीं। अपने आदमी को रोक लो वरना गजब हो जाएगा। रोक जाओ। स्टॉप योर जेट। इस मौत के जिम्मेदार तुम हो बाबा। कमबख्त, बारूद लाया है या दौलत? बेईमानी से हासिल की हुई दौलत बारूद में बदल जाती है। जल्दी से सौदा पूरा करो, मैं और खून खराबा नहीं देखना चाहता। खबरदार जो मुझे धमकी दी बल्लू, नहीं तो मैं तेरे चीछड़े उड़ा दूंगा। बाबा जगतपाल, इन पिस्तौलों और बंदूकों से कहीं ज्यादा ताकत इन स्टार्स में है। और सुनो, मेरा नाम बल्लू नहीं, इंस्पेक्टर बलराम सिंह है। यह हाथ मेरे नहीं, सारे हिंदुस्तान की पुलिस के हाथ है। और जिस इरादे से मैं यहां आया हूं, वो मेरा नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का है। उस पुलिस और उस सरकार के नाम से मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी कश्ती में ये सारे कैदी इस जहाज से दूर जाते हुए दिखाई नहीं दिए तो ये जहाज घेर लिया जाएगा। वाह वाह, क्या तकरीर की है। 5 मिनट में ये बक्से का तेरा बाप उठाकर लाएगा? नहीं नहीं, बाप नहीं, तेरा ससुर उठाकर लाएगा। रॉड्रिक्स। यस सर। प्रोफेसर को बोट पर भेज दो। खबरदार, पुलिस के रहते हुए गुंडों का हुक्म नहीं चल सकता। अबे चलता है कि उठा के नीचे फेंकूं? अरे देखते क्या हो, अलग करो इस लड़की को। जगतपाल, तुमने अपने 5 मिनट गंवा दिए। कैप्टन, तुम्हारा जहाज अंडर अरेस्ट है। कॉलिंग चार्ली 123, चार्ली 123। चार्ली 123 स्पीकिंग, चार्ली स्पीकिंग। सर बलराम यार, मैंने जहाज को अरेस्ट कर लिया। ये तो किस चार्ली से बातें कर रहा था? अभी तक नहीं समझे? चारों तरफ नजर दौड़ाते रहो, सब समझ में आ जाएगा। ऑल पुलिस बोट्स गेट रेडी, ऑल पुलिस बोट्स गेट रेडी।
जगतपाल, जगतपाल, जगतपाल। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन है? मैं यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट पुलिस गुप्ता बोल रहा हूँ। तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो जगतपाल, हथियार डाल दो। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम मेरा नाम जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जगतपाल क्या क्या कर सकता है। मैं तुम्हें 6 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर 6 मिनट में तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ दिया तो समझ लो कि एक एक मिनट में एक एक लाश पानी में गिरती हुई नजर आएगी। तुम्हारा पागलपन किसी काम ना आएगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे सिपाही चारों तरफ से गोलियां बरसाते हुए तुम्हारे जहाज की तरफ बढ़ आएंगे। तो तुम समझते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? तो फिर अपनी आंखों से देख लो। रॉड्रिक्स, पहले ताराबाई। आप पर ये कैसा भूत सवार हो गया है जगतपाल? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो अचानक हमारी जान के दुश्मन हो गए हैं? अब भी पूछती है बजार, बंटवारी को बुलाऊं समझाने के लिए? देखते क्या हो, छलनी कर दो इसका जिस्म में एक नहीं 10-10 गोलियों से। नहीं, तुम मेरी माँ की जान नहीं ले सकते, मुझे भी हक है जानने का। आखिर आखिर हम दोनों से क्या गुनाह हो गया है? कल तक तुम्हारी आंखों में कितना प्यार था डैडी, आज इतनी नफरत क्यों? देखते क्या हो, कर दो इसका काम तमाम। नहीं, अगर मेरी माँ से कोई भूल हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे यकीन है अपनी बेटी के आंसू देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। क्या? हाँ हाँ, पूछ इस मक्कार औरत से। माँ, हाँ बेटी, ये सच है। जिस आदमी की जुबान इतनी गंदी है, दिमाग इतना गंदा है, जिंदगी इतनी गंदी है, मुझे खुशी है कि ये तेरा बाप नहीं है। मुझे अफसोस नहीं कि मैंने इसे धोखा दिया, अफसोस है कि मैंने तुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मरने से पहले मैं तुझे कह जाना चाहती हूँ, बेटी तेरा बाप भी नहीं एक इंसान था, कोई मक्कार आदमी नहीं था। देखते क्या हो, हटाओ उस लड़की को। रुक जाओ। जाने दो, मेरी माँ, मेरी माँ चली गई है, मुझे भी जाने दो। होश में आइए, होश में आइए, आपको भी जाने दूं, आपको भी जाने दूं तो भैया को क्या जवाब दूंगा? गुप्ता, लगता है माँ की लाश का असर नहीं हुआ तुम पर, अब बेटी की लाश भी देखना चाहते हो? हाँ जगतपाल, मार दो मुझे, मैं ऐसी दुनिया में जीना नहीं चाहती जिसमें मेरी माँ नहीं रही। क्या कहते हो गुप्ता? जगतपाल, हद हो गई वैश्यपन की, मैं कहती हूँ बस करो। तुम्हारे कहने से बस कर दूं सरस्वती? क्यों, आज तो तुम में वो बात भी नहीं रही जो 20 बरस पहले थी। कमीने! जगत भाई! नहीं, नहीं! माँ, किस आदमी का मुंह लग रही हो? एसपी साहब, आप वापस चले जाइए, ये आदमी पागल हो गया, कुछ भी कर सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो बलराम? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, एक बेकसूर की जान चली गई है, दूसरी भी जा सकती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन इन बेगुनाहों के खातिर मैं आपसे कहता हूँ चले जाइए सर, और हमें ऊपर वाले की मेहरबानी पे छोड़ दीजिए। लिसन ऑल पुलिस बोट्स, लिसन ऑल पुलिस बोट्स। जहाज चलाओ, चलाओ जहाज।
अब ऊपर वाले से दुआ मांग बेटे। उसका सर एक और बलू
क्यों बाबा, चुभती है ना जूते की नोक? खाओगे बाबा? रामू, हाथ पैर मार बाबा। बल्लू, मुझे बचाओ बेटे। एक ही बात है बाबा, तुम्हारा कहना मानना। रास्ता